हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ। काफ़ी टाइम के बाद मैं कैमरे के सामने आ गई हूँ। मैं थोड़ी सी ज़रा नर्वस हो रही हूँ कि मैं सही बोलूँगी कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से मैंने जो है कोई भी ऐसी वीडियो नहीं की जिसमें मैं कैमरे के सामने आके बोलूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों को पता है कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा हो रहा है, और जैसे ही मैं अपना ट्राईपॉड खड़ा करती हूँ और अपना कैमरा लगाती हूँ, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसको होता है बस वो ट्राईपॉड मैं पकड़ लूँ, जिसकी वजह से ना मेरी वीडियोस बन ही नहीं सक रही थी। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर ज़्यादा करती हूँ और कैमरे सामने आके बोलना कम करती हूँ। अभी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो सो रहा है और मैं कर रही थी ईद की तैयारियाँ। आज है यहाँ ट्यूसडे और यूएई में एक्सपेक्टेड था कि वेनसडे को ईद हो, क्योंकि 29 रोज़े अगर ख़त्म होते हैं तो शायद वेनसडे को ईद हो जाए, बट नहीं हुई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं हुई क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी फॉर वेनसडे। बात कर ही रही थी कि वो सो रहा है, मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो वो उठ गया था। एनीवेज इसके मैं रेडी भी नहीं थी ईद के लिए। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ईद जो चांदा वाला दिन होता है ना, 29 रोज़ा हो या 30 रोज़ा हो, वो जो दिन होता है ना, वो मैं सिर्फ रखती हूँ घर की सेटिंग के लिए और अपनी ग्रूमिंग के लिए। That's all. उसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ, उससे एक दिन तक पहले सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा था कि शायद मेरे काम ईद तक चल जाएँ, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चा भी है और वो बड़ा भी हो रहा है, मैं अकेली होती हूँ यहाँ पे। उसके अलावा पूरा रमज़ान वो 3 दिन पे था, तो बस अगर वो 3 दिन पे है तो फिर समझ लो। अभी घर भी काफ़ी फैला हुआ है, तो ये घर की इंशाल्लाह वेनसडे को, थर्सडे को ईद है, तो ये वेनसडे को पूरे घर की सेटिंग होगी, सारे टॉयज उठ के अंदर जाएंगे। अभी बहुत टॉयज मैं करने लगी हूँ, ईद के दिन की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। ऐसे वेनसडे शुरू हो गया, 2 बज रहे हैं, 3 बजे हमारी सैरी है, तो मैं करने लगी कि मैं लेके आई थी मटन चॉप्स। मैंने वैसे कभी पहले मटन चॉप्स खाए नहीं, ट्राई नहीं किया, बट ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी देख के, तो मुझे ना अच्छी लग रही है, मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसी बनेगी। साथ में मैंने करने लगी चिकन रोस्ट को मसाला। तो आज से फिर हम करते हैं ईद का व्लॉग स्टार्ट। किचन जो है वो सारा मैंने कर लिया है साफ, अब मैं अपना करने लगी हूँ सारा तैयार। मैंने जैसे बताया कि मैं मटन बीफ चॉप्स कर रही हूँ और साथ में करने लगी हूँ चिकन को मसाला। मतलब चिकन रोस्ट को मसाला करना बड़ा आसान है, उसमें आप क्या करें, दही में जो जो मसाले समझ में आते हैं डाल दो। मेरी बस यही टेक्निक है कि दही में आपने सारे मसाले डाल देने हैं, अगर विनेगर है विनेगर, और अगर लेमन है तो लेमन। मैं मसाला लगाती हूँ, आप लोग देखें कि कैसा है। ये मैं लेके आई थी चरगा, ये मैंने इसकी स्किन रिमूव करा दी। चरगा मेरा थोड़ा छोटा है, 900 ग्राम ही मुझे मिला था और 1000 था नहीं, तो मैं ये लेके आई हूँ। इसको मैं लगाती हूँ मसाला, आप देखें सारी मैंने स्किन रिमूव करा ली, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें इसको मैं नीट कर लेती हूँ। तो चलो तो नीट करने के बाद मैं ले रही हूँ दही। दही मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, उसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, नमक, फिर मैं उसमें डालूँगी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और फिर तिक्का मसाला। उसको मैं थोड़ा सा फूड कलर डाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ में वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी, शिमला की मिर्च, प्याज और आलू। चिकन में मैंने कट्स लगा लिए हैं अच्छे से, और मैं सबसे पहले मसाला जो है वो पॉकेट में डालूंगी उसकी, और उसमें सारे में वेजिटेबल्स डाल दूंगी। अब इसके बाद मैं अच्छी तरह अपने चिकन को मसाला लगाऊंगी ताकि वो अंदर तक जाए, और आप चाहो तो उसको अच्छे से अपने हाथों से, उंगलियों से मसाज कर सकते हो। और अब इसके बाद मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी और मैं ये यूज़ करूँगी ईद वाले दिन, तो ये 2 दिन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। इसके बाद आ गया मेरी बीफ चॉप्स को लगाने का। इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, थोड़ी अगर कोई एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह है तो फिर मैं इसमें ऐसे ऐसे अपनी छुरी मारूँगी ताकि इसके अंदर थोड़े से होल्स हो जाएं और मसाला अंदर तक अच्छी तरह चला जाए। लेमन लगाऊँगी, लेमन के बाद मैंने अब इस पर लगाना मसाला। मसाले में मैंने ऑयल लिया, ऑयल में डालू जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके तो अपनी मटन चॉप्स पे अच्छे से लगा लूँगी। अच्छा जी, तो मेरी हो गई
है सहरी ख़त्म, तो मैं ये सोच रही हूँ कि बैठ के जो मैं नेक्स्ट काम है वो कर लूँ। अच्छा, मैं कुछ लेके आई थी, मैंने बनाने हैं ईद बॉक्सेस। मतलब मेरा पहले प्लान था कि मैं बॉक्सेस लूँ और उनके अंदर चॉकलेट्स और कैंडीज डाल के बच्चों को दूँ, बट मुझे बॉक्सेस मिले नहीं, थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैं ये लेके आई हूँ, कुछ स्टिकर्स बनने होते हैं ना, मैं ये शीट लेके आई हूँ, इसकी मैं पाउच बनाऊँगी। और उसके बाद इसमें उन्होंने दी हुई है धागा दिया और उसको धागे को ऊपर से बांध के, तो साथ ईद मुबारक का मैं ये कार्ड प्रिंट कर दूँ। लेकिन ये एक ही पैकेट था तो एक ही मैंने ये लिया। उसके अलावा मैंने अपने लिए ईद मुबारक केक टॉपर लिया है, बहुत अच्छा लगा था ये। वैसे मैं रमज़ान के लिए भी ढूंढ रही थी, मुझे रमज़ान के लिए मिला नहीं। उसके अलावा मैंने ईद मुबारक के डिशेज लेने थे, बट ये मैंने घर आकर देखा कि ये रमज़ान मुबारक के आ गए, रमज़ान करीम के आ गए। एनीवे, उसके अलावा जो चॉकलेट्स, ये मैंने बास्केट लिए कि अगर वो पाउचेस बन जाते हैं, अगर पाउचेस में इस इनमें डाल के तो एक एक बच्चे को आई कैन यू नो लाइक प्रेजेंट के एक एक आप ले लो। चॉकलेट्स जो हैं वो आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। मैंने स्निकर्स ली थी, फ्रॉचर्स ली थी, साथ में क्वालिटी स्वीट्स की लेके आई थी, कुछ मैंने जेलीस ली थी, टॉफीज ली थी, और यहाँ नेस्टोपिक की चॉकलेट है बॉन, वो बहुत मज़े की है, मैंने वो भी ली थी। तो जो भी चॉकलेट्स आपको पसंद है आप इसमें वो डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो होममेड बिस्किट्स भी डाल सकते हैं, मुझे बिस्किट्स बनाने नहीं आते इसलिए मैंने डाले, मिठाई डाल सकते हैं, मतलब ऑप्शंस आर एंडलेस। अब आती है घर की बारी। मैंने ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं किया, जो मैंने आपने देखा होगा जो मैंने अपने रमज़ान के व्लॉग में किया था वही मैंने इसमें किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा इस दफ़ा ज़्यादा चीज़ें नहीं ली। तो मैंने अगले दिन सुबह उठ के वेनसडे पे को सारा घर जो है वो साफ़ भी करवा लिया और नीट भी कर लिया था। और फिर रात को मैं चांद रात की रात को मैंने खीर चढ़ा दी थी पकने के लिए, और साथ ही साथ मैं जो हूँ अपना टेबल सेट कर रही हूँ। ईद वाले दिन मेरे घर में था ओपन हाउस। ओपन हाउस मीन्स मेरी दो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है वो आए थे दोपहर में, एज अ टी लंच पे नहीं आए थे वो, तो उनको मैंने चीज़ें बनाई थी। और उसके अलावा ये जो है डिनर पे मेरी कज़न ने अपने हस्बैंड के साथ आना है, तो ये मैंने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया है।